Difference between developmental, behavioral, and emotional disorders. Uh, जब हम बात करते हैं तीन डिसऑर्डर्स की जो कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं और इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर मेन पॉइंट्स कौन से हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इन्हें डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं एक दूसरे से और इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस बच्चे को डेवलपमेंटल डिले है इस बच्चे को बिहेवरल प्रॉब्लम है और इस बच्चे को इमोशनल प्रॉब्लम uh, है तो अगर आप इस आ, टेबल को देखें तो इस टेबल में आपको नज़र आएगा कि जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो बेसिकली डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि इन्हें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जब मैं कह रही हूँ कि डेवलपमेंटली डिलेड आ, हैं तो इसका मतलब ये है कि जो उनके माइल्ड हैं वो एज अप्रोप्रिएटली अचीव नहीं हुए होंगे तो जब और इनका जो ऑनसेट है वो अर्ली एज में होगा ठीक है जिस तरह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो कि अर्ली एज के अंदर एग्जिबिट होते हैं और यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं डेवलपमेंटल डिले के साथ तो ऐसे बच्चे जो कि शुरू में हमारे पास आएंगे और एक्सप्लेन करेंगी उनकी मदर कि ये आ, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पा रहा इसकी आ, ये चीज़ों को पिक नहीं कर पाता इसकी रीडिंग राइटिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं हो रही ये लफ्ज़ों को रिकगनाइज़ नहीं कर पाता ये जूतों के तस्में सही तरह नहीं बंद कर पाता ये आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पा रहा ये वर्ड अटर नहीं कर पा रहा तो जब वो ऐसी बातें कहेंगी तो दैट्स मीन कि उस बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो डेवलपमेंटल डिले का है जिस वक़्त हम बिहेवरल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो ये वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोई बच्चा जो है वो अपना प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर एक्जबिट करता है टूवस द इन्वायरमेंट और उसका जो भी बिहेवियर होता है वो कॉज करता है प्रॉब्लम स्कूल्स में घरों में या उनके पीयर्स के साथ लाइक like ऐसे बच्चों की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और चूँकि ये बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होता है इसलिए ये भी जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है मोस्टली ये आइडेंटिफाई हो जाता है इन इन बिटवीन द एज ऑफ फाइव सिक्स एट की जो रेंज है उसमें ये आइडेंटिफाई uh, कर लिया जाता है इसकी जो प्रॉब्लम uh, uh, आती हैं जो हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनको कहते हैं वो ए डी एच डी है कंडक्ट डिसऑर्डर है ऑपोजिशनल डैफियन डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को हाइपर एक्टिविटी का कंप्लाइंस का डैफियन का हॉस्टैलिटी का एंगर का प्रॉब्लम होता है और वो ये सारी चीज़ें एक्सबिट करता है टूव द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पलसिव होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं उन बच्चों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर द ब्रेला ऑफ बिहेवियल डिसऑर्डर्स एंड देन द इमोशनल डिसऑर्डर्स इमोशनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो वो वाले डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो बच्चा है वो अपना बिहेवियर जो है वो इनवर्डली एक्सप्रेस करता है और इंटरनलाइज़ करता है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को जब हम कहते हैं कि इंटरनलाइज़ करता है प्रॉब्लम्स को तो दैट्स मीन कि साइकोलॉजिकली वो आ, ओवरवेलम्ब होता है और वो हर चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है रादर दैन एक्सप्रेसिंग दैम टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट जिसकी वजह से आम तौर पर ऐसे बच्चे जो हैं वो विदड्रॉ कर जाते हैं फ्राम द रियलिटी एंड फ्राम द अदर पीपल और उससे क्या होता है कि उनको एन्जाइटी हो सकती है क्योंकि वो बहुत से डिफरेंट सिचुएशन को इस्केप कर सकते हैं इफ़ देव द प्रॉब्लम ऑफ फोबिया वो बहुत सी जगहों पर जाने से इनकार कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हैविंग एन्जाइटी वो बहुत सी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करेंगे बिकॉज दे हैव दोशल इन्जाइटी प्रॉब्लम और उनको ये डर होगा कि अगर वो लोगों के पास जाएंगे या लोगों के सामने बोलेंगे तो माइड भी दे आर नाट परफॉर्मिंग तो इस किस्म के जो बिहेवियर्स uh, हैं वो उनके मैनिफेस्ट हो सकते हैं इसी तरह उनको डिप्रेशन uh, का प्रॉब्लम भी हो सकता है uh, जैसे कि वो सैड फील करेंगे क्राइंग बिहेवियर आएगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा uh, उनका वेट लूज हो सकता है तो इस किस्म के जो बिहेवियर्स हैं जो कि बच्चों को इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं उनको हम इमोशनल डिसऑर्डर्स uh, कहते हैं हैं और उनको हम इसके अंडर uh, करते सो बेसिक so इन uh, इन आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनमें डेवलपमेंटल डिले होता है और अर्ली इन एज होता है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स जो हैं उसके अंदर बिहेवियर एग्जिबिट uh, होता है टूवर्ड्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये भी जो है अर्ली एज में आइडेंटिफाई हो जाता है लेकिन एस कम्पेयर टू डेवलपमेंटल डिसऑर्डर स्लाइटली जो है ये चार से आठ साल के दरम्यान में जो बच्चे का बिहेवियर है ये ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होता है और इमोशनल डिसऑर्डर्स जो हैं वो लेटर इन एज में या लेटर चाइल्डहुड में पता चलते हैं लाइक आफ्टर सेवन और आफ्टर टेन इयर्स बिकॉज क्योंकि बच्चा उससे पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता और वो अपने इमोशंस को उस तरह प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ना ही पेरेंट्स उस चीज़ को उस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है या बच्चे को एनजाइटी हो रही है